हेलो आप सभी को, ऑल अबाउट स्पोर्ट्स के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एशियन गेम्स में भारत की 14वें दिन की सारी परफॉर्मेंसेस के बारे में बताऊंगा। आज एशियन गेम्स में भारतीय चुनौती की आखिरी दिन थी। आज के बाद भारतीय सारी चुनौती एशियन गेम्स में समाप्त हो गई। तो चलिए सारे परफॉर्मेंसेस के अपडेट जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनोइंग की। आज कैनोइंग में मेंस सिंगल्स कायाक इवेंट में शुभम और हितेश की भारतीय तौर से चुनौती थी, जहाँ पे शुभम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, वही हितेश फाइनल में सेवेंथ पोजीशन पे फिनिश किए। दूसरी तरफ आज रोलर स्केटिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का भी आज इवेंट था, जहाँ पे भारत का कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। आप वीडियो पॉज करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। वही दूसरी तरफ आज भारतीय चुनौती सॉफ्ट टेनिस और जुजित्सु के मुकाबले पर भी थे, लेकिन भारतीय एथलीटों ने इन दोनों इवेंट में कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आप वीडियो पॉज करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। आज भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का क्लासिफिकेशन मैच भी था, जहाँ पे अपनी आखिरी क्लासिफिकेशन मैच में हांगकांग को 3-2 की स्कोर लाइन से हरा के भारतीय महिलाओं ने एशियन गेम्स में 9वें पायदान पे फिनिश किया। नेक्स्ट आज भारतीय मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के मुकाबले भी थे, जहाँ पे यश, विकी, दीपक पुनिया और सुमित मलिक ने भारतीय चुनौती पेश की थी, लेकिन सिर्फ दीपक पुनिया ही है जो पोडियम फिनिश कर पाए और भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत पाए। वही दूसरी तरफ आज भारतीय मेंस एंड भारतीय वुमेन्स चेस टीम का भी मुकाबला था। आज भारतीय मेंस टीम ने रैंक 2 पे आके सिल्वर मेडल जीत लिया, वही भारतीय वुमेन्स टीम ने भी रैंक 2 पे फिनिश करके चेस में सिल्वर मेडल जीत लिया। नेक्स्ट फील्ड हॉकी, आज भारतीय महिला हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला था जापान के विरुद्ध, जहाँ पे भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके जापान को 2-1 से हरा के ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीत लिया। आज भारत को अन्य और भी कई सारे मेडल्स मिले। बैडमिंटन की मेंस डबल्स मुकाबले में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने भारत के लिए एशियन गेम्स में पहली बार मेंस डबल्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। वही दूसरी तरफ आज कॉम्पाउंड आर्चरी के इंडिविजुअल इवेंट्स भी थे, जहाँ पे मेंस सिंगल्स में ओजास प्रवीण देवताले ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया, वही दूसरी तरफ उनके हमवतन अभिषेक वर्मा ने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। वही अगर हम महिलाओं की इवेंट की बात करें तो ज्योति वेन्नम ने गोल्ड मेडल जीता और अदिति स्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वही आज कबड्डी के फाइनल मैचेस भी थे, जहाँ पे कबड्डी की महिला टीम ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। एक कांटेदार मुकाबले में चाइनीज ताइपे के विरुद्ध भारतीय महिला टीम ने 1 पॉइंट से जीत हासिल की। वही भारतीय मेंस टीम का मुकाबला था ईरान के विरुद्ध, जहाँ पे उस फाइनल मुकाबले में बहुत सारे विवादित मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन आखिरकार भारत की टीम ने 4 पॉइंट से ईरान को हरा के गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वही आखिर में आज भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का फाइनल में मुकाबला था अफगानिस्तान के विरुद्ध, जहाँ पे बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया और भारत एक हायर रैंक टीम होने के नाते गोल्ड मेडल जीत गया। आखिरकार अगर हम मेडल टैली के ऊपर नजर डालें तो भारत के पास 28 गोल्ड, 35 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। इसी के साथ भारत का कुल टोटल मेडल संख्या हो जाता है 107 और इसी के साथ भारत ने पुल अपनी जो मिशन था 100 मेडल्स पार करने का, वो भारत ने अचीव कर लिया। और इसी के साथ 2022 के हांगझोउ एशियन गेम्स भारत का बेस्ट एवर एशियन गेम्स रहा इन टर्म्स ऑफ टोटल मेडल और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड मेडल। भारत ने सभी एस्पेक्टों पे खड़े उतरा और भारत की एथलीटों ने कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।